मदद की पहल को लेकर शुरू किया गया हमारा YouTube चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन आज पूरे कम्प्लीटली 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुका है, मतलब हमारे परिवार में 1,00,000 सदस्य हो चुके हैं। तो साथियों, ये कम्प्लीटली आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और गर्व का दिन है। आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके जोरों से लेकर शुरू किया गया आज ये सफर काफी कैसा रहा, वो सारी जो मेरे दिल की बातें हैं वो सारे मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। साथ ही VOB संबंधी अभी आज की कंडीशन में जितने भी जो इशूज हैं, एग्जाम हैं, रिजल्ट हैं, जितने भी जो अपडेट्स हैं, डिफॉल्टर फॉर्म कब आएंगे, रिजल्ट कब आ रहे हैं, दिसंबर वाले एग्जाम्स क्या हैं, कम्प्लीटली असाइनमेंट कब जमा करने हैं जुलाई वालों के लिए, जनवरी 2023 वालों के लिए, जितने भी जो इश्यूज हैं आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली वो भी सॉल्व आउट करूंगा और सारी अपनी जो दिल की बातें हैं कम्प्लीटली अब तक का हमारा सफर कैसा रहा और किस किस के क्या क्या कम्प्लीटली सारी बातें हम आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में कम्प्लीटली जो मेरा बनाने का पर्पज था वो पहला यही था, जो मेरा एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि जहां पर मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब्स, उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग में कितनी बेहतर ढंग से स्टूडेंट्स की मदद कर पाता हूं, क्योंकि आज के इस कंप्लीटली समय में सही और सटीक बातें पता चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन परिवार साथियों, हमारा जीरो से लेकर आज हमारा 1,00,000 सब्सक्राइबर का सफर पूरा हुआ, इसके लिए आप सभी का एक बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सभी ने मेरे साथ इतना अपनत्व बनाए रखा क्योंकि हम धीरे धीरे बूस्ट हुए, क्योंकि हमें लगभग मेरे इस सब्सक्राइबर जर्नी को अगर आप देखते हैं तो मेरे 3-3.5 साल की लगातार इसमें मेहनत है। उसके बाद कई बार फैमिली इश्यूज हैं या फिर कोई जॉब रिलेटेड है या फिर कोई स्टडी पर्पज या फैमिली पर्पज, कई सारी चीजें आने से थोड़ा थोड़ा बीच में अप डाउन रहे, लेकिन फिर भी हम आज एक कम्प्लीटली 1,00,000 सब्सक्राइबर तक का जो सफर है वो पूरा कर चुके हैं। तो इस सब्सक्राइबर सफर में जो भी है कम्प्लीटली साथियों, आप सभी जितने भी जो साथ जुड़े आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, तभी हम आज इस मुकाम पर है और आज हमारा परिवार 1,00,000 का हो चुका है। 1,00,000 सब्सक्राइबर मतलब एक कम्प्लीटली यूट्यूब से हमें कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं हमारी, बहुत हमें और ढंग से बेहतर ढंग से काम करने की एक जिम्मेदारी का मुझे बोध भी है और मैं लगातार उस काम को करता रहूंगा। अब हम साथियों बात करते हैं कम्प्लीटली कि इस मेरे सफर में जो मैंने जीरो से शुरू किया उसके बाद से लगातार मेरे कम्प्लीटली जो आप सभी का जितना जो सहयोग रहा उसमें आपको किस प्रकार से मेरा चैनल ने किस प्रकार से आपकी मदद की, उसमें 2 लाइनें या 4-5 लाइनें 10 लाइनें जितनी भी आप लिख सको अपने दिल की बात जरूर इस वीडियो के कमेंट्स में मेंशन लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं किस हद तक कितने ढंग से आपकी मदद कर पाई हूँ। तो आपकी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल से आपको कैसे मदद मिली वो बातें जरूर आप लिखिएगा। उसके बाद आप जो इंस्टाग्राम कम्प्लीटली हमारे कम्प्लीटली आप इस चैनल के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में वो भी मुझे जरूर इसमें सेंड आउट कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे भेज सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप लिख सकते हैं, तो मैं श्योर से रीड करूंगा और उसको आत्मसात बहुत करने की कोशिश करूंगा। साथियों, ये जो सफर शुरू हुआ उसमें कम्प्लीटली मेरे जो मेरा खुद का जो काम था वो तो था ही, उसके बाद मेरे जो परिवार है मेरे माता पिता के कम्प्लीटली जो मुझे सहयोग मिला कम्प्लीटली सारी चीजों में, उसके बाद कम्प्लीटली जो मेरा परिवार, इसके बाद मेरे जो छोटे भाई ने जो कम्प्लीटली रणवीर सिंह रावत जिन्होंने भी कम्प्लीटली जो टेलीग्राम पर जो आप चैनल देखते हैं मेरे 2-2 चैनल्स बने हुए VOB एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन है और एक एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन कम्पिटिशन है, जिसमें हमारी अगर हम ओवरऑल देखें तो 55+ सब्सक्राइबर्स जो है टेलीग्राम पर हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। तो उन सबको मेंटेन करना, क्योंकि कई बार बिजी होने से उसमें अपडेट्स नहीं डाल पाते, तो वो सारी चीजें तो वो रणवीर सिंह रावत जो छोटे भाई अनुज ने उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हैंडल किया, जिससे कहीं ना कहीं मैं सारी चीजों का सपोर्ट मिला अपना जो परिवार की तरफ से है। उसके बाद आप सभी ने जो कम्प्लीटली वीडियोस को शेयर किया सारी चीजें उससे सपोर्ट मिलते से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और अपनी जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल ने आपको किस प्रकार से मदद की उसके बारे में जो भी अपनी जो 2 लाइनें या 5 लाइनें 10 लाइनें आप लिखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर मेंशन करके लिखिएगा। अब मैं मेरे अपने जो नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आज 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए, तो आप सभी कई बार स्टूडेंट्स सोचते होंगे जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं अमूमन मेरे साथ जुड़े हुए कि हम एजुकेशन जॉब एक यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। YouTube पे अगर मैं मेरे खुद की बात करूं तो एक बहुत लंबी तपस्या का खेल है, लंबी रेस के घोड़े का काम है। यहाँ पर आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं सोच सकते मैं आऊँगा और तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ हो जाती है वो बात अलग है, अपन है आम आदमी, तो आम आदमी के हिसाब से अपन तो रेंगते हुए ही चलना होगा। आज मेरे भी ये जो सब्सक्राइबर का बूस्ट है कोई इतना उछाल होकर नहीं आ गया, काफ़ी कंटिन्यूसली मेहनत करना, 750 वीडियो समथिंग मेरे बन चुके हैं, उसके बाद भी लगातार काम रखना मतलब रेगुलरिटी बनाए रखना, वीडियोज़ अपलोड करना, तो वो सारी चीज़ें करते हैं तब जाके आप इन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। तो अब जो पढ़ाई वाला स्टूडेंट्स है अगर वो सोचता है मैं अभी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू कर दूँ और मैं उसमें बूस्ट अप कर लूंगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। तो जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स और स्पेशली मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने जो के पढ़ाई है उसको फोकस कीजिए, आपका जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए, इसके बाद आप अच्छी खासी जॉब ले लीजिए, उसके बाद एज ए पार्ट टाइम जो आपको टाइम मिलता है दिन में 1-2 घंटा उसको यूट्यूब पे दे दीजिए और उसमें उतनी आप मेहनत लगा दीजिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी फिर उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब का जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत डाउन है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी ओवरऑल दुनिया में आपको बहुत कुछ बताते होंगे, इतनी
की कमाई है कुछ भी नहीं है, यूट्यूब बहुत नॉर्मल माइनर इनकम देता है आपको, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से जो मतलब जो शोषण करके जो पैसा दिया जाता है उस प्रकार से जो बात है वो मैं सटीकता से कह रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा ही पैसा है, कुछ नहीं है, स्पॉन्सरशिप वगैरह से थोड़ा बहुत अच्छा खासा बन जाए, बाकी इसके अलावा बाकी यूट्यूब की जो इनकम है उसके भरोसे आप नहीं रह सकते। तो ये कुछ जो मेरी जो दिल की बातें थी, एक्सपीरियंस थे, वो आपसे शेयर किए। तो पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा स्पेशली संदेश है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, आप साथ साथ यूट्यूब ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। और बाकी इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा मनी मनी पैसा ही पैसा होगा ऐसा भी मत सोचिएगा, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कम पैसा है, सारी चीजें हैं, आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही आपको मिलता है, उससे ज्यादा कहीं कोई मिलने वाला नहीं हो, बैठे बैठे मिलेगा ऐसा तो आप सोचिएगा भी मत, गलती से भी बैठे बैठे तो कहीं एक रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो बस आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जॉब लग जाइए, उसके बाद अगर टाइम बचता है, सेफ जोन में है, तो आप अच्छे से यूट्यूब शुरू कीजिए, अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर लोगों की मदद कीजिए। तो आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें चैनल का नाम ही जैसे आपने देखा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, तो जैसे मैंने वीओएमयू का कंटेंट है, अपने टीचर भर्ती संबंधी लगातार जो डॉक्यूमेंट संबंधी इश्यूज थे मैंने लगभग बहुत अच्छे से सॉल्व आउट किए हैं, चाहे वीओएमयू के हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, चाहे जो डिग्री के अप्रूवल्स हैं उस रिलेटेड बहुत ज्यादा जो कम्प्लीटली वीडियोस बनाए और वो सर्कुलेट हुए वीडियोस और आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए। तो ये सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक अपनी जो लाइन है उसको जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्या आपके इस चैनल से संदेश रहा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी का और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। अब हम करते हैं कुछ काम की बात, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने स्पेशली पहले ही बताया था वीओएमयू की आज की डेट के जितने भी इशूज है वो सारे मैं सॉल्व आउट करने वाला हूँ, और मैंने बहुत से जो इशूज थे उसमें कम्प्लीटली एक मोस्टली इशूज है असाइनमेंट को लेकर। तो जुलाई 2022 वाले कैंडिडेट जिनका भी असाइनमेंट है कम्प्लीटली वो असाइनमेंट को लेकर ज्यादा भ्रमित ना हो, क्योंकि 31 मई को लेकर बहुत ज्यादा रायता फैला और वो भी कम्प्लीटली यहाँ पर ये आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट 31 मई नहीं है, जनवरी 2022 में जिनका भी एडमिशन था उनके असाइनमेंट की लास्ट डेट 31 मई थी। जुलाई 2022 वालों का असाइनमेंट अभी यूनिवर्सिटी ने 10-15 दिन पहले ही तो अपलोड किए, बीए वालों के असाइनमेंट ही अपलोड नहीं थे, तो उनके असाइनमेंट ऐसे थोड़ी यूनिवर्सिटी 10-15 दिन में मंगा लेगी, आपको थोड़ा मौका मिलेगा। लेकिन मेरी तरफ से सलाह रहेगी आपके असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, अब आप अपने असाइनमेंट है उनको तैयार कर लीजिए, असाइनमेंट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, फाइल को से बनाना है, जोधपुर बीकानेर वालों को स्टडी सेंटर भेजना है, बाकी को अपने रीजनल सेंटर जमा कराना है, वो सारी असाइनमेंट वाली प्लेलिस्ट के हैं कंप्लीटली वीडियो बने हुए, 2-4 वीडियोस देख लीजिए, असाइनमेंट में आपको पूरे में से पूरे नंबर आराम से मिलेंगे और एक छोटा बच्चा भी उन वीडियोस को देखकर असाइनमेंट तैयार कर पाएगा। तो असाइनमेंट वाली ये बात हो गई, जुलाई वालों को अपने असाइनमेंट है कंप्लीटली 10-15-20 दिन में जमा कर दीजिए, अभी लास्ट डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, कुछ अपडेट आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वीएमयू वाला भी और भर्ती संबंधी अपडेट वाला भी। अब बात करते हैं जनवरी 2023 वालों के असाइनमेंट की, जनवरी 2023 के भी असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, तो आपके लिए भी ये खबर है साथियों, आपको 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपके असाइनमेंट जमा होंगे, तो आपको उसी समय अपने असाइनमेंट है वो जमा करने हैं, आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप भेज भी देंगे तो वहां सबमिट शो नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं शो होगा, फिर आपको डबल बना के भेजना होगा, इससे बेहतर है आपके असाइनमेंट आ गए हैं आप आराम से बना के तैयार कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर में आप अपने असाइनमेंट है उनको सबमिट करवा दीजिएगा, ये आपका काम उस समय हो जाएगा। अब मैं बालिका डिस्टेंस एजुकेशन जो स्कॉलरशिप है गर्ल्स एवं महिलाओं के लिए उनके लिए बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने भी प्रमोटिव फॉर्म भी भरा, मान लो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर का या फिर सेकेंडरी से थर्ड ईयर का प्रीवियस से फाइनल का, तो उनके असाइनमेंट जो कम्प्लीटली उनके भी जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि पहले स्कॉलर नंबर इनवैलिड का इश्यूज था, तो वो फॉर्म अभी स्टार्ट है कम्प्लीटली 15/6/2023 आप उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। बालिका डिस्टेंस में और कुछ जानकारी नहीं है तो मेरा फुल इंफॉर्मेशन वीडियो उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको सूचना मिल सके, आप तक जानकारी पहुँच सके, तो वो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, एग्जाम के रिजल्ट को जैसे मैं बताऊँ दिसंबर 2022 के जो एग्जाम के रिजल्ट वो सारे कंप्लीटली अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जून 2022 वाले जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, दिसंबर 2022 एग्जाम का रिजल्ट की जो लास्ट डेट थी 22 मई 31 जनवरी 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 22 मार्च 2023 आपके एग्जाम की लास्ट डेट थी, तो अभी जो रिजल्ट है वो जून 2022 एग्जाम के रिजल्ट आए, तो दिसंबर 2022 एग्जाम के रिजल्ट आपको जून लास्ट में एक दो रिजल्ट्स जून लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कुछ रिजल्ट्स, और बाकी मोस्ट रिजल्ट्स आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे, और टाइम लग ही रहा है और सारी चीजें यूनिवर्सिटी में जो कोविड के बाद से स्थिति बिगड़ी थी उसको सुधारने का लगातार प्रयास किया और सारी चीजें शेड्यूल अकॉर्डिंग आ रही हैं, लगभग धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी ऐसी हमें उम्मीद और आशा है विश्वविद्यालय प्रशासन से भी। अब हम बात करते हैं डिफॉल्टर फॉर्म को लेकर, तो साथियों नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने वाले हैं जुलाई में कंप्लीटली आपके एग्जाम्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो जून में आपको डिफॉल्टर फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, जो पहले से एबसेंट हैं या फिर फेल हो गए ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं नॉट क्लियर वाले, तो वो आप डिफॉल्टर फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें शामिल हो पाएंगे एग्जाम्स में। तो ये कुछ जो बातें थी मैंने वीओएमयू संबंधी ब्रीफली आप तक पहुंचा दी, आपको और कुछ इश्यूज रहता
आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी साथियों, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। वीडियोस को शेयर किया कीजिए, जो भी हमारे चैनल संबंधित व्यूज है, जिसको जरूरत है उस तक वीडियोस का लिंक जरूर पहुंचाए। साथियों, आप सभी के साथ सहयोग इसी प्रकार का बना रहे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन ने आपको अपनी जो पढ़ाई संबंधी जो मदद है वो किस प्रकार से की है, और मैंने जो चैनल का नाम रखा है एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन, तो उसको मैं कब तक कैसे सिद्ध कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। अपनी शिकायत, सुझाव जो भी है अपने बड़े भाई समझकर मुझको जरूर दीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।